हाय एवरीवन, अभी हो रही है शाम के अप्रॉक्सीमेटली 4:30 से 4:45 हो रहा है एंड दिस इज विजयवाड़ा का फेमस दुर्गा माँ टेम्पल जो यहाँ है, जो काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं। शाम के अप्रॉक्सीमेटली 4:30 से 4:45 हो रहा है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते आते बोल रहे थे कि जो अपनी कृष्णा नदी है उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, चलो देखने चलते करके। तो हम लोग ऐसे ही कैजुअली आए देखने के लिए एंड साइड में जो है मछलियाँ भी बेच रहे हैं एकदम फ्रेश फ्रेश और पानी इतना ऊपर तक आ गया। कुछ दिन पहले देखा था एकदम सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ दिख रही थी, अभी फुल है एकदम, इतना ज़्यादा पानी है ना। वो जो गेट्स होते हैं ना यहाँ पे उसको भी ओपन कर दिया। कैजुअल टूर मार लिया हम लोगों ने, काफी अच्छा लगा। एंड इसी पानी में से सामने जो है भैया जाला डाल रहे थे, उसमें यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी के फिशेज है तो वो लोग सेग्रीगेट करके फिर रख रहे हैं। बड़ी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की फिशेज आ रही है एंड एकदम फ्रेश। सो जो लोग नॉनवेज खाते हैं दे कैन एन्जॉय दिस फ्रेश फिश यहाँ पे। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रकाशम बैरेज, मैंने पहले भी बहुत बार ये बताया है। एंड यू टर्न लेने वाले थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ प्लेस मिलेगा कि नहीं रिवर्सिंग। अरे अरे ओके ओके गो। सो एक्चुअली कुछ दिन पहले जब मैंने आपको दिखाया था कि वो क्या बोलते हैं शायद पिछले ब्लॉग में कि पौधे लेने हैं, लिए नहीं थे। वो पौधे तो रखे हुए हैं डिक्की में, अगर रास्ते में कहीं कोई नर्सरी दिख गई तो ले लेंगे, घर जाके आराम से चाय। सो अगले दिन की इवनिंग है, अभी 4:45 बज रहे हैं एंड हम लोगों ने जो है प्लांट्स लिए नहीं थे एंड आज है सैटरडे। सो वी वर लाइक कि चलो आज कर लेते हैं, फिर कल बिजी हो जाएगा, सुबह सुबह उठ के फिर वॉकिंग जाना है एंड उसके बाद चर्च जाना है, फिर उस पूरे शेड्यूल में फिर आने के बाद लंच आने तक लंच टाइम हो जाता है। तो हमने बोला चलो अभी जाके आ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में तो रख ही दिया था उस दिन। तो मैंने बोला चलो कर लेते हैं, इससे पहले भी इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं ना हमने घर के चारों तरफ, बहुत ज़्यादा थे। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हों तो जो मतलब पुराने लोग हैं उनको तो पता होगा इतने ज़्यादा प्लांट्स थे कि इतना अच्छी तरह वो उगरे होते थे। बट जब भी हम कहीं गांव जाते थे ना तो हम लोग को लगता है भाई हम एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छे क्लास में, लेकिन चोर हर जगह ही होते हैं। हमारी बिल्डिंग के लोग ही हमारे प्लांट्स को जो है चुरा लेते थे एंड अब वो उखाड़ रहे हैं। जो भी चोरी करता है वो हड़बड़ी में ही करता है, तो जब वो उखाड़ लेते थे उसको तो दोबारा सही से रखते नहीं, चलो थोड़ा निकाल लिया ठीक है, उसके बाद उसको ठीक तरह से लगाओगे तो वो प्लांट तो ज़िंदा रहेगा। तो ऐसा पास्ट में कुछ हुआ है तो इसीलिए मुझे लगा कि यार इतने प्लांट लगा रहे हैं और जब वो बहुत अच्छी तरह उगते तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उखाड़ता था, लाइक अब यार कितनी बार इसकी देखभाल करेंगे, कहीं ना कहीं तो आना जाना रहता है। एंड ये जो प्लांट्स थे वो हमारे घर के नहीं, हमारे घर के बाहर रहते थे तो इसलिए एक तरह से इंटरेस्ट तो चला गया था। अब चलो अभी छोटे मोटे जो पॉट है जोड़े जो मैं घर में भी रखती हूँ कभी बाहर रखती हूँ उनको फिल करा लेते हैं करके, अभी फिर से वो इंटरेस्ट आ रहा है तो चलो जाते हैं देखते हैं कौन कौन से प्लांट मिलेंगे। 6 की 7 पॉट्स तो मैं कैरी कर रही हूँ शायद, देखते हैं।
बहुत ही बड़ा वाला काम हुआ लग रहा है, क्योंकि कुछ हफ्तों से ये पेंडिंग हो रहा था। वो कुंडी जो है खाली करके रखी थी, क्योंकि जिस चीज़ पे जो रहता है जब वो खाली खाली सा दिखता है ना, तब लगता है कि भाई जल्दी कंप्लीट करना है, बट वो डिले होता रहता है। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक बहुत ही मन को शांति सी मिलती है। सो हमने जो प्लांट्स लिए हैं, बेसिकली जब भी हमेशा लेते थे तो मर जाते थे। उन्होंने बोला जब पौधा वीक हो रहा है तो ज़्यादातर फोकस लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कुछ खाद डालने का या पानी का। पानी का ऑफकोर्स मेजर रोल प्ले करता है, उसके अलावा अगर आपको लगता है सब कुछ करने के बावजूद भी अगर पौधे जो है ज़िंदा नहीं रह रहे हैं, तो यू नीड टू चेंज द सॉइल, आपको मिट्टी चेंज करनी है तब। तो ना ना यदि कदा अकड़ कोचों कदा मैं सो मिट्टी चेंज करनी है आपको, तब यू कैन यू नो सेव द प्लांट। सो इस बार ही, पिछले बार तो सारे ये पैतरे अपना चुके हैं, इस बार होप कर रहे हैं कि जिंदा रहे सारे जो भी पौधे। अगर वीक हो रहे हैं तो इस बार मिट्टी भी चेंज करके देख लेंगे। प्लांट्स तो क्या करें, उसके ऊपर इच्छा जाती नहीं है, और जब वो मरते रहते हैं तो डिसहार्टन होता रहता है। एनीवेज, दिस वाज अ वेरी कैजुअल व्लॉग, आपको अच्छा लगा होगा मैं सोच रही हूँ। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।